tonight in this grand assembly of religious leaders and religious scholars. It's very important for the modern context of religious harmony. For the past 3,000 years, a lot of human problems has arisen, and half of the problems are come from religions. So when the conference held for the religious diversity and religious harmony, that is the universal awareness that the religious leaders have to commit. In the sense, they have to contribute to the work with and for the welfare of the humanity. So I think that is a wonderful gathering and wonderful conference. हिंदू धर्म में सहिष्णुता का अभाव कभी भी रहा नहीं है और आज भी नहीं है, परंतु जब मच्छर काटते हैं, मक्खियाँ बैठती हैं, तो क्या उसको उड़ाना भी नहीं चाहिए? तो केवल मक्खी और मच्छरों को उड़ाने का काम कर रहे हैं हम, किसी को काट नहीं रहे हैं। हिंदू धर्म वाले कभी भी ऐसा किया नहीं है, आज से नहीं, अनादिकाल से। अपने इस भारतवर्ष में किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचाई है। जितनी पीड़ा पहुंचा सकते थे बाहर के लोगों ने आके यहाँ पर पहुंचाई, चाहे वो मुगल हो, चाहे अंग्रेज हो, और चाहे उनकी यहाँ पर अभी वर्तमान में संतान हो, उन्होंने इस देश को, इस देश में रहने वाले को हमेशा पीड़ा पहुंचाई है। तो केवल उनको अब मच्छर को हटाना भी अगर पीड़ा कहेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो पीड़ा है। हमारे में कभी भी सहिष्णुता कभी गई नहीं है, वर्तमान में विद्यमान है। वो कोई हमको एक अंगुली दिखाता है, हम उनको गले लगाते हैं। गाय हमारे देश में, हम गौ माता कहते हैं। अब किसी को गौ के माध्यम से किसी को अपनी राजनीति चमकानी हो, अपने आप को चमकाना हो, तो दुर्भाग्य की बात है। जैसे हम गौ को माता कहते हैं, इस देश में रहने वाले जो नागरिक जो भी हैं, किसी धर्म को मानते हैं, उससे हमारा कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। परंतु इस देश की भावना को, जिसको हम पूजते हैं, तुम उसको काट करके प्रदर्शित करना चाहते हो, तो ये दुख की बात है। तो कम से कम ये नहीं होना चाहिए। दादरी कांड जैसे कभी कभी आवेग में हो जाते हैं, परंतु उसका राजनीतिकरण अगर किया है तो बहुत अनुचित है। ऐसी घटना को हम कभी समर्थन नहीं देते हैं किसी को भी ऐसा, परंतु उसके पीछे पृष्ठभूमि में क्या है ये हमें ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। परंतु पहली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। परंतु इस मुझे पता लग ऐसा लगता है कि किसी कारणवशात इस घटना को ज़्यादा प्रचार मिल गया है। उससे पूर्व सन 84 में घटना हुई थी, जो नरसंहार हुआ था दिल्ली में, मुजफ्फरनगर की घटना हुई, भागलपुर की घटना हुई, ऐसी अनेक घटनाएं हुई। परंतु एक छोटी सी घटना को इतना बड़ा क्यों बनाया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक दुर्घटना है, हम ही मानते हैं कि ऐसी घटना अपने देश में नहीं होनी चाहिए, परंतु दुर्घटनावश हो गया। वो कोई चाहता है कि एक्सीडेंट हो जाए, वो एक मैं समझता हूँ कि एक्सीडेंट था, परंतु उसको लोगों ने बहुत तरीके से उसको भुनाया है, उसका लोगों ने फायदा उठाया है। वो मुझे लगता है कि ये कुछ उनकी आपसी रंजिश, एक गांव में लोग होते हैं, हमारा साधु समाज हमेशा ही सभी को साथ लेकर के चलने का हिमायती रहा है, चाहे वो दलित हो। केवल दलित नहीं, पशु पक्षी चींटी, वहाँ तक हम किसी को भी आहत नहीं करना चाहते हैं, नहीं मारना चाहते हैं, उसका कोई प्राण लेना नहीं चाहते हैं, वो तो हमारे अपने हैं। इसलिए उनके प्रति अगर कोई ऐसा वर्ताव हुआ है तो उसकी हम निंदा करते हैं। आजकल के आधुनिक युग ने हमारे समाज को बांट दिया। पाश्चात्य देशों से जो नई जो टेक्नोलॉजी आई, तकनीक आई, उसका हमारे नौजवानों ने उसका खूब उसको अपनाया है, और भले अपना में
परंतु हमारा यही कहना है कि उनको मंदिर जाए न जाए वो एक अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जो हमारा मूलतः जो हमारा हिंदू धर्म है वो हमें शांति, दया, करुणा, अहिंसा यही सिखाता है। और ऐसा कभी कभी होता है कि जब हवा चलती है, पत्ते उड़ते हैं, जब हवा निकल जाती है फिर वैसे वातावरण शांत होता है, तो थोड़े समय के लिए होगा मुझे लगता है, उसके बाद में सब ठीक ठाक हो जाएगा। हम सबको अद्वेष्टा और मैत्री का संदेश देते से राष्ट्र का एकता बढ़ाते हैं। गाय हमारा माता है, गौ माता है, उसके बारे में हम अंडरस्टैंडिंग से और हम जाना है, सब हमारा साथ लेकर जाना है। पौष आठ अच्छा नहीं है, रंजीत सिंह भी बैन किया, यंगस्टर्स में भी दो रास्ते में जाते हैं, एक साइड में बहुत वेस्टर्नाइजेशन होते हैं, एक साइड में मेटीरियल सक्सेस इज नॉट इनफ वो समझते हैं, सो वो स्पिरिचुअल लाइफ और धर्म में क्या है वो देखते हैं, बट आंसर्स आर नॉट ऑलवेज देयर। सो घर में उसका पैर माता पिता सब नहीं जानते हैं, सो उसका बेसिस वो साइंटिफिक बेसिस हम दिखाना है यंगस्टर्स को, देन दे विल फॉलो। इस तरीके का जो विश्व सम्मेलन है, इससे एक बात तो बहुत ही स्पष्ट है कि एक नई तरीके का जागरूकता आ रहा है। और देखिए, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, भगवान बौद्ध ने हिंदू धर्म के बारे में क्या क्या कहा है, लेकिन आज 2500 साल या 2600 साल के बाद फिर से जो एक मेल मिलाप बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में हो रहा है, और उसके साथ उन्होंने और भी धर्मों को जोड़ लिया है, तो इसका अर्थ यह है कि जो एक वैश्वीकरण, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात आज सुबह भी की गई थी, वो वास्तव में उसको एक ज़मीनी तौर पर कैसे लाया जाए। क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि हमारे 70 से 80% जो जनसंख्या है वो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना उनको संघर्ष करना पड़ रहा है, कितना उनके सामने चुनौतियाँ हैं और कैसी कैसी परिस्थितियों से उनको जूझना पड़ रहा है, लेकिन दूसरे स्तर ये जागरूकता मुझे लगता है कि वास्तव में सबके लिए कल्याणकारी होगा। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से जो आयोजित सम्मेलन, तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ है, मैं समझता हूँ कि इसका संदेश अगर हम देश के जन जन तक पहुँचाएँगे तो उनको ये एहसास दिला सकते हैं कि धर्म हमारे लिए ज्ञान का मार्ग है, जिसको एक अन्य ज्ञान का मार्ग जिसको हम विज्ञान कहते हैं उसके साथ सामंजस्य और समन्वय करके सभ्यता के विकास के लिए कुछ हमें सेवा देनी चाहिए।